पाकिस्तान में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ रेप कोई नहीं करता, दिन दिहाड़े उनकी बेटियों को उठाकर कोई नहीं लेकर जाता। एक टीवी के ऊपर एक हेडलाइन चलने से ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि उन्होंने वहाँ ये सेलिब्रेट कर लिया, उन्होंने वहाँ वो कर लिया, उन्होंने वो वहाँ कर लिया। बलूचिस्तान से खुद बिलोंग करता हूँ, कोयटा से, उसके कैपिटल से, ठीक है। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर ना खाने को है, वहाँ पर टारगेट किलिंग्स। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, वहाँ पर दिन में 3 ब्लास्ट होते हैं, 3 से 4 बंदे मरते हैं दिन के दिन। गवर्नमेंट देख नहीं रही है, गवर्नमेंट आके ये नहीं कर सकती कि देख ले आगे पीछे कर ले। कश्मीर 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 कुछ भी नहीं है उसके आगे। आजाद की बात करें, मुझे पहले ये बताएं ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? हाँ। पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लालत ऐसे हुक्मरानों पर भेजता हूँ, यकीन करे मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ, ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क है, हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। अच्छा आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा, पागल है। यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं अब बोले, अब बोले, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए। एक मिनट मुझे, ठीक है, इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया, मुझे ये बात बताएं हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं क्या पल्ले आपके नहीं पास? अगर हम ना लाएगा ना तो नलायक ही रहना, नमस्कार दोस्तों, मैं रामानु धीमान। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत की हमेशा बुराई करते रहते हैं और भारत के बारे में हमेशा उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बात कर रहा हो, अगल बगल में पाकिस्तान के लोग ही खड़े हों और वो उसकी धुलाई करने लगे कि तुम भारत के बारे में गलत बोल रहे हो, अपने यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनके बारे में पहले आपको बात करनी चाहिए, कश्मीर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तो फिर आप सोचिए वो वीडियो देखकर आपको कितना मज़ा आने वाला है। ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, वीडियो है सलाम जद का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। हमें ये हो रहा है, इंडिया में वो हो रहा है, अगर 1.5 अरब की आबादी है ना तो उस पूरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, जितना आपने स्टार प्लस देखकर, सोनी टीवी देखकर, इंडियन आइडल देखकर आपने उनकी सारी चीज़ों को मान लिया है, तो आप कहती हैं तो मैं उसको मानता तो नहीं हूँ। चलें कैमरे के सामने मैं ना तो पाकिस्तान में स्टार प्लस चलता है, ना ही तो पाकिस्तान में आप जो नहीं चलता, पाकिस्तान में ये सारे चैनल्स बैन है, पाकिस्तान में सारे चैनल बैन है। आप सारे चैनल टीवी पे कौन देखता है? टीवी के ऊपर तो इमरान खान का नाम लेना भी बैन है, तो वो चलता नहीं है, कैसे सारी दुनिया को पता? सोशल मीडिया। पाकिस्तान में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनकी माओ बहनों बेटियों के साथ रेप कोई नहीं करता, दिन दिहाड़े उनकी बेटियों को उठाकर कोई नहीं लेकर जाता। एक टीवी के ऊपर एक हेडलाइन चलने से ये चीज़ साबित नहीं हो जाती कि उन्होंने वहाँ ये सेलिब्रेट कर लिया, उन्होंने वहाँ वो कर लिया, उन्होंने वो वहाँ कर लिया। तरक्की कैसे करेगा? हमने मनानी है, हमारा हमसाया हमारे साथ क्यों नहीं बनाता? हम अपने अंदर कोई ऐसे गट्स पैदा करें ना कि वो हमारे साथ बनाए। और इमरान खान साहब ने तो अफगानिस्तान के साथ भी नहीं बनती, ईरान ने पिछले दिनों क्या किया वो भी ये बता दे आप। अफगानिस्तान के साथ इस वजह से नहीं बनती, 1947 से लेकर अब तक दुनिया का वाहद इस्लामी मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया हुआ। बात रही ईरान की, ईरान में भी इंडिया है, अफगानिस्तान में भी इंडिया है, और वो किन लोगों की वजह से है? वो हम लोगों की वजह से है, क्योंकि हम लोग यहाँ नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। और इंडिया अपने मुल्क में कारोबार सिर्फ अपने मुल्क में नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान में भी बिजनेस दे रहा है, वो ईरान में भी बिजनेस दे रहा है, और हम लोग यहाँ देते हैं, कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, और आप भी लोगों से जाकर पूछनी है जी आपको नौकरी मिली कि नहीं, आप कितने पर... तो पूछा ही नहीं। यहाँ पे कुछ और भाई भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात करें, मुझे पहले ये बताएं ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? पाकिस्तान खुद आजाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लालत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करे मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ, ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना, ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है, ये मुल्क खुद आजाद हो, ये मुल्क पहले खुद आजाद हो। अब सही होगा, सर मुझे मेरी बात सुने, खुदा की कसम ये मुल्क खुद आजाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है, वो जान से मर रहे हैं, हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, ऐसे ही है, हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको गोलियां मार के मार दिए। हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है, बताएं कितने बिल आए आप लोगों के गैस के, कितने बिल? मैं बताता हूँ मेरे घर में वजीर आजम भिखारी है, हम कैसे जा रहे हैं? हम भिखारी तो ये खुद है। आगे आए सर, आगे आए।
जी ये देखें, ये मार्केट के नौजवान हैं, आए आए बताएं। ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे, वैसे ये भिखारियों का मुल्क है। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है, इनको मजबूरी के बगैर मिल जाते होंगे। अच्छा आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा, पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ, हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं अब बोले, अब बोले, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं, डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। सुन लो वो जुनू खिला रहे हैं ये। अच्छा सवाल ये आपने उनसे किया है, आपने कश्मीरी नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, इसके बड़ा अच्छा हुआ इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हो गई, वो बता तो रहे हैं। नहीं सवाल का जवाब, नहीं 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 सवाल का जवाब, सवाल का सवाल ये था कि इंडिया ने शट अप कॉल दी है, शट अप कॉल देनी चाहिए इन हुक्मरानों को, देनी चाहिए शट अप कॉल। हम 5 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं, हम 5 फरवरी को छुट्टी मनाते हैं, कश्मीर का नारा लगाते हैं और कुछ नहीं करते। लाना था जो 5 फरवरी को छुट्टी मनाता है इन बगैरतों की वजह से, छुट्टी मनानी ही नहीं चाहिए, आजाद तो ये कर नहीं सकते। सर आप मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर सिटीजन है पाकिस्तान के, ये हमारे नौजवान है, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड थी, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बंद कर दी, उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता ट्रेड नहीं होगी। भाई ने कहा बड़ा अच्छा हुआ, आप बताएं ट्रेड होनी चाहिए नहीं? होनी चाहिए, होनी चाहिए। वहाँ 20 रुपए किलो प्याज है, यहाँ 100 रुपए से ऊपर है प्याज, 200 रुपए बल्कि, क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? हमारा हमसाया मुल्क है, हम क्यों इतनी दूर जाएं चीजें लेने? पता है हमारे ऊपर सवाल उठता है कि पाकिस्तान अच्छा हमसाया नहीं है ना, हमारी जितने बॉर्डर हमारी लगती है हमारी किसी के साथ ही बनती सवाए चाइना के, इसलिए ना अफगानिस्तान ना चाहती फौज चाहिए, अगर हमारी सुलह हो जाएगी तो फौज क्या करेगी? जा आप मुझे ये बात बताएं, अभी मैडम ने ये बात कही, आपने भी कहा कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए, एक मिनट मुझे, ठीक है इमरान खान साहब ने बंद कर दी, गलत कर दिया, गुनाह कर दिया, मुझे ये बात बताएं हम ट्रेड की तरफ जाएं या अपने मुल्क में सब कुछ खुद पैदा करें? आप मुझे बताएं है क्या पल्ले आपके नहीं पास? अगर हम नलायेगा ना तो नलायक ही रहना, नलायक ही रहना, 70 साल तो नलायक है, फिर हुक्मरान साहब ने 2 साल तो नलायक है, गिला क्यों कर रहे हो? गिला की कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रेड होनी चाहिए, नहीं फिर गिला क्यों कर रहे हो कि साढ़े हुक्मरान गलत है, चोर ने वोट चोरी कर, मेरी दुकान है, अगर मेरी दुकान है मुझे साहब सही बंदा नाजर लेना, मेरी बात, मेरी दुकान है, मेरी बात सुने, अगर दुकान मेरी ये है तो मुझे सामने से सस्ती चीज मिल रही है, मैं कसूर लेने जाऊंगा, मैं क्यों आऊँ वहाँ से क्यों ना लूँ? ये सारी खाने पीने की बातें हैं, मच्छी शोरे लगे हुए हैं इनको, ये कहते हैं मुल्क तरक्की ना करे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में आज़ादी की तहरीक चल रही है, लोगों के मसले हल नहीं हो रहे, बलोचिस्तान की, बलोचिस्तान में चल रही है, चल रही है, चल रही है आज़ादी की तहरीक, वो कह रहे हैं अगर आप हमारे वसाइल में पूरे नहीं कर सकते तो आप खोल दे। बात सुने, बात सुने, इस तरह सिलसिला चल रहा है, जब इस मुल्क में इलेक्शन की जगह जब सिलेक्शन होगी तब ये मुल्क कभी भी आने वाले 200 साल तक आबाद नहीं होगा। आप और कंट्रीज देखें वो आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बलूचिस्तान से खुद बिलोंग करता हूँ, कोयटा से, उसके कैपिटल से, ठीक है। वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पे ना खाने को है, वहाँ पे टारगेट किलिंग्स है। आप कश्मीर की बात कर रही हैं, वहाँ पे दिन में 3 ब्लास्ट होते हैं, 3 से 4 बंदे मरते हैं दिन के दिन, गवर्नमेंट देख नहीं रही है, गवर्नमेंट आके ये नहीं कर सकती कि देख ले आगे पीछे कर ले, कश्मीर 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 कुछ भी नहीं है उसके आगे, कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान में इलेक्शन थे, बलूचिस्तान में कितने ब्लास्ट हुए मुझे बताएं? वहाँ पे 3 से 4 खाली सिटी में हुए हैं ब्लास्ट, एंड डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे उसमें तो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। अब बलूचिस्तान का ये है, अब यहाँ पर लोग आए थे, आप बोल रही थी कोयटा से आए थे यहाँ पर लोग, ठीक है। बलूचिस्तान की माएँ बहनें आई अपने मसले लेकर, वो मिसिंग पर्सन की वजह से आई, ठीक है, उनके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, और गवर्नमेंट के यहाँ के PM ये बनाए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये बनाए, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बेगर्स आर कांट चूजर, हम बेगर्स हैं, हम नहीं है बेगर्स, ठीक है, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। मैं बता रही थी बलोचिस्तान के मसले हैं भाई, हैं मसले, ये बलोचिस्तान से हैं, ये अपना मसला सुना रहे हैं, हम मसला परेशान हैं,
पाकिस्तान में अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देता हूँ। पाकिस्तान एक भाई एक मिनट ठहर जाओ। दोस्तों इस पूरे वीडियो के अंदर आपने देखा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको कश्मीर का चूरन आज तक बेचा जाता था, वो कहीं ना कहीं अब ऊब चुके हैं उस चूरन से, और यहाँ पर लोग अब डिमांड करने लगे हैं कि किसी तरीके से उनके घर की जो रोजी रोटी है वो चलनी चाहिए और भारत से जो ट्रेड है उसको ओपन करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो पाकिस्तान की जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और ये आजकल एक्चुअल में हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर आज भी 30% ऐसे लोग हैं जो लगातार भारत को टारगेट करते रहते हैं और भारत से नफरत वाली बातें हमेशा करते रहते हैं। उसमें से जो एक व्यक्ति था ये था, और इसकी जो धुलाई की है पाकिस्तान के लोगों ने की है, शायद इसको अब अकल आ जाए कि भारत से दुश्मनी करना सही नहीं है। इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर महंगाई एकदम से बढ़ गई थी। भारत का प्याज हो, सब्जियां हो, या फिर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दुबई के रास्ते पाकिस्तान के अंदर जाती हैं, और ये बात अब पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है। इस वजह से लोगों का कहना है कि हमें डायरेक्ट जो है वो भारत से खरीदना चाहिए, कश्मीर का जो मैटर है उसको अलग रखना चाहिए। 77 साल से कश्मीर को लेकर लड़ाई कर रहे हैं हम, लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और हमारे जो नेता आते हैं और हमारी जो आर्मी है वो लगातार भ्रष्टाचार करती है और हम लोगों का खून चूसती है, और हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बलूचिस्तान के इशू के ऊपर जब बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पर लोग कह देते हैं कि भैया वहाँ पर कुछ है नहीं, भारत ने करवा रखा है। अफगानिस्तान से जो लोग आतंकवादी घटनाएं करते हैं वो भारत करवाता है, ईरान जो करता है वो भारत करवाता है। मतलब इनका मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की इतनी चलती है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है तो भारत करवाता है, या कोई देश उसके ऊपर कुछ गड़बड़ करता है तो भारत करवाता है। पाकिस्तान के कुछ लोग अभी समझने लगे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ी है ये भारत से ट्रेड बंद है इसकी वजह से बढ़ी है, इसके अलावा जो कश्मीर के नाम के ऊपर चूरन बेचा जाता है सिर्फ पैसे का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पर कोई जुर्म नहीं होता है, भारत के लोग आराम से रहते हैं, हमें सिर्फ दूसरा पहलू दिखाया जाता है, अच्छा वाला पहलू कभी दिखाया नहीं जाता है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।